वाओ, मजा आता है ना इस वीडियो को देखने के बाद जब ये व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। आप में से कितने लोगों को आता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्चुअल ट्रीटमेंट शेयर करूंगी आपके लिए। हेलो दोस्तों, क्या आप सफर कर रहे हैं ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिगमेंटेशन और ओपन पोर्स से? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। कम्प्लीट देखिए, अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। फर्स्ट स्टेप है स्टीमिंग। स्टीमिंग करने से आपकी 60% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि स्टीम करने से आपके जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो स्टीमिंग लेने से पहले अपने चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम अप्लाई करना ना भूले। वीडियो का मेन अट्रैक्शन वैसलीन दिखाते हुए आपको कहा जाता है आप वैसलीन लगाएं, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाने से भी आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी। आपका जो मेन टारगेट है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट करना है। तो मैंने कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर अप्लाई किया एंड देन मैंने स्टीम लिया 2 से 3 मिनट। और अब आप अपनी स्किन को नॉर्मली ऐसे 1-2 मिनट के लिए रहने दें। उसके बाद आपको अपना सेकेंड स्टेप करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोलगेट ही लें, नहीं, आपको एक नॉर्मल अपना पुराना टूथब्रश लेकर आपको स्क्रबिंग के लिए कोई भी आपके पास स्क्रबर है वो, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा वो लेकर आप अपनी नोज़ पर अच्छे से स्क्रब करें। 1 से 2 मिनट अच्छे से स्क्रब करने से नॉर्मली या फिर आप बोल सकते हैं नेचुरली आपके जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है वो निकल जाएंगे। ऐसा 2 से 3 दिन लगातार करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इसी ब्रश का इस्तेमाल आपको अपने चिक और चिन एरिया पर भी करना है। चिन एरिया पर बहुत ही ज़्यादा व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स होते हैं जो कि कभी कभी हमें नज़र नहीं आते। और इस अब क्लीन करने के लिए भी मैंने कॉटन को गर्म पानी में ही डिप किया और क्लीन कर लिया। ऐसे करने से आप लगातार करिएगा, आपके ना ही ओपन पोर्स रहेंगे ना ही पिगमेंटेशन रहेगी, व्हाइट हेड भी जाते रहेंगे। और हाँ, अपने इस फेस पर मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया, ज़रा सी आइस क्यूब यानी कि बर्फ़ से मसाज करना मत भूलिएगा। इससे ओपन पोर्स श्रिंक होते हैं, छोटे होते हैं और आपकी स्किन ज़्यादा फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल नज़र आती है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा ज़रूर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।